कोयला चुनने के क्रम में कोयला के अंदर दबी महिला। कोयला किसी के लिए काला हीरा तो किसी के लिए मुंह का आहार है। जी हाँ, कोयले ने अलग अलग भागों में अनेकों जान ली है। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने इस पर एक फिल्म बनाई थी जिसे आपने जरूर देखा होगा। कोयले की खदान के अंदर तो कुछ जानें जाती हैं, बाहर भी अनेक जान जाती है। आपसी रंजिश अपना वश्चर्व कोयले के व्यवसाय का या कोयला से जुड़ा मामला होता है जिसमें अनेकों की जान जाती है। कुछ लोग संपत्ति के लालच में जान गंवा तो देते हैं, परंतु दूसरा पहलू यह है कि कुछ लोगों की जीविका या यूं कहें कि शाम का चूल्हा इसी कोयले से जलता है। खनन क्षेत्र में रहने वाली गरीब महिलाएं सामान्यतः कोयला चुनकर अपना गुजर बसर करती है और वह भी दुर्घटना का शिकार हो जाती है। ऐसा ही हुआ है हजारीबाग जिले के त्रिवेणी सैनिक माइंस में, जहां ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि महिला चूल्हा जलाने के लिए कोयला चुनने गई थी, इसी क्रम में माइंस से कोयला निकाल रहे गाड़ी ने उसे दबा दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। 37 वर्षीय सुनीता देवी जिसकी मृत्यु हुई है, उसके पति उसका शव लेकर हजारीबाग बुक के पथ पर धरना पर बैठ गए हैं। 13 माइंस के पास या सभी धरना पर बैठे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि माइंस में सैकड़ों सिक्योरिटी होता है, बावजूद उसके यह दुर्घटना कैसे घटी। अभी तक पुलिस की कोई टीम घटनास्थल पर नहीं पहुंची है। मड़का गांव से राजकिशोर की रिपोर्ट। सड़क जाम करने के कारण है, हमारा ये रिश्तेदार है जो गरीबी से जी रही थी, जो कोयला चुनने के लिए जलावन के लिए माइंस तरफ गई थी, जो वहाँ पर कोई सुरक्षा सिक्योरिटी नहीं है और ऊपर से वो भी डंप जो होता है डोजर गाड़ी से वो मलबे में ला करके दबा दिया जाता है। कंपनी अपना निजी व्यवस्था नहीं कर रही है, यहाँ के जनता को परेशान कर रही है, ना जलावन दे रही है, ना कोई रोजगार से जोड़ रही है। इसके लिए यहाँ से लोग गरीबी के कारण वहाँ जाते हैं और वहाँ से कोयला चुन के लाते हैं और ये कंपनी ऐसे सबको मार करके गिरा दे रही है। और इसके लिए जैसे कोई व्यवस्था नहीं देता है, बोलता है हम अपना काम करेंगे, तुमको जो करना है से कर लो। यही हम डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ से ना कोयला जाएगा ना यहाँ से कोई काम होने देंगे। तो इसलिए हम क्या कोई सुविधा है कोयल माइंस में? कोई सुविधा नहीं है, ये अपना निजी फायदा के लिए अपना काम करती है। हम लोग बिजली जलाते हैं तो उसका बिल भी देते हैं और ये कंपनी हम लोग का यहाँ से खदान से कोयला ले जा रहा है, प्रदूषण दे रहा है, ना स्कूल व्यवस्था दे रहा है, ना शिक्षा दे रहा है, ना ये हॉस्पिटल दे रहा है, कोई विधि व्यवस्था इसका नहीं है। इसलिए यह रास्ता जाम रहेगा, ना इसका कोयला चलेगा, ना हम जाने देंगे। कमाने के जरिए डंप में कोई सुरक्षा वहाँ पे? कोई सुरक्षा नहीं है डंप में, अभी देखने की चीज़ है। वहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है, हम देख करके आए हैं, सर्वे करके आए हैं और वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। तारों घेराव कुछ नहीं किया हुआ? कुछ नहीं, कोई बाउंड्री वाल नहीं किया हुआ है। इसके लिए प्रशासन भी जो ऐसे मौन रहती है, कैसे जिएगा? नेता लोग जो ऐसे पैसे खा जाते हैं कंपनी से और साइलेंट हो जाते हैं। आपका परिचय बताइए। हम विनोद प्रजापति नाम है मेरा, बड़का गांव है, घर लोकल रहने वाला हूँ। मृत्यु का कौन लगता है? मृत्यु जो लगती है वो भावो लगती थी। जो कंपनी यहाँ आने और बैठने से पहले जो जो घोषणा की है उस पर वो अमल करे, सारे पब्लिक को सुविधा दे। ऐसा जो घटना दुर्घटना हो रहा है ये भविष्य में नहीं होगा। और घटना दुर्घटना को रोकना है तो कंपनी बिजली पानी कोयला ये सब जो है फ्री करे, सारा पब्लिक को घर में पहुँचाए और उसके बाद यहाँ का पब्लिक को रोजगार दे और उसके बाद हम लोग का इसमें किसी तरह का कोई बाधित नहीं होगा। फिलहाल अभी हम लोग जो आंदोलन रोड जाम किए हुए हैं, इसमें जो मृतक का परिवार है वो जो उसका हस्बैंड है विकलांग है, बढ़िया से बोल नहीं पाता है, मंदबुद्धि है, कुछ कर नहीं पाता है, उसको एक नौकरी दे और उचित मुआवजा दे करके इस बंदी को समाप्त करें, इसमें हम लोग उनका समर्थन करेंगे। मेरा सुप्रभात। ये घटना जो है वो बहुत ही दुखद घटना है। ये जो मृतक जो मरी है वो कोयला डंप के दौरान मरी है। इससे साफ पता चलता है कि जहाँ पे डंपिंग होता है उस जगह पे हमको लगता है कोई सुरक्षा घेरा नहीं है। अगर सुरक्षा घेरा होता तो इस तरह की घटना न घटती। और दूसरी बात है कि यहाँ पे कौन लोग कोयला चुनने के लिए जाता है? वही लोग चुनने जा रहे हैं जो गरीब तबके से आते हैं, उनकी स्थिति अच्छा नहीं है, वो खुद से गैस खरीद नहीं सकते हैं, सिलेंडर भरवा नहीं सकते हैं, दूसरा जलावन का कोई विकल्प नहीं, इसी हालत में गई है। तो कंपनी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए ये सारा काम अपना कंपनी कोयल माइंस में यहाँ पे कोयला निकाल करके दूर दूर तक भेज रही है, एशिया के विभिन्न देशों में भेज रही है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए अगर उस तरह के जलावन का व्यवस्था लेकर करेगी, अब अर्थात यहाँ पे रहा जो मृतक परिवार है, जो मृतक है, जो मरी है, ऑलरेडी देखा जाए तो पति के रूप में काम कर रही थी, क्योंकि उसका पति जो है वो विकलांग है, बोल नहीं पाता है, तो सारा घर का परवरिश करने का जिम्मेवारी उस औरत का था,
उस महिला का था और उसके 3 बच्चे हैं, एक शादीशुदा के लायक है और भी बाकी बच्चे हैं, अब उसका परवरिश कैसे हो। हम चाहेंगे कंपनी के पदाधिकारियों से यही कि आप तो कोयला निकाल रहे हैं जरूर, लेकिन इस तरह जो घटनाएं घटे इस पर कैसे कंट्रोल करें, और मृतक परिवार को कम से कम जो कंपनी मृतकों का जो मरती है कंपनी के ये में आने से उसको जो मुआवजा होता है उसको मुआवजा राशि मिले, उचित ढंग से मिले, शिक्षा का व्यवस्था उसके बच्चे को हो, और साथ ही साथ उसके परिवार में जो विकलांग हो किसी तरह का उसको एक नौकरी देने का काम करे। मेरा यही कंपनी के पदाधिकारी, और फिर यहाँ विधिवत तरीके से इसको हटाया जाएगा।